हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन डिप्लोमेसी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बालमुकुंद मौर्य और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपी। तो पिछली क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे फॉर्मूला टैब, तो यहां पे कुछ ऑप्शंस बचे हुए हैं जिनको हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो यहां पे एक डिफाइन नेम्स ऑप्शन है, इस ब्लॉक में आपको कई सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे। दूसरा है फॉर्मूला ऑडिटिंग, इसमें भी काफी सारे ऑप्शंस हैं। अगला है कैलकुलेशंस। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट है और इससे कई सारे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिफाइन नेम्स, इसका यूज क्या है। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने एक सैंपल टेबल ली है, इसमें स्टूडेंट्स के नेम है, उनके सब्जेक्ट के मार्क्स हैं और यहाँ पे हमें टोटल मैक्स मिन एवरेज और कई सारे अगर कैलकुलेशंस करने हैं तो हम अभी क्या करते हैं, सिंपल एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अगर हमें टोटल चाहिए तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम टाइप करते हैं इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ से एक रेंज सेलेक्ट करनी होती है क्योंकि इन सब्जेक्ट्स के टोटल चाहिए हमें। रेंज सेलेक्ट करने के बाद हम इंटर करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद यहाँ पे सम आ चुका है। ये तो मैनुअल तरीका हो गया। अगर हम इस ब्लॉक को एक नेम असाइन कर दें और हम जब भी कोई कैलकुलेशन अप्लाई करें रेंज की जगह पे हम सिंपली वो नेम टाइप करें और हमारा कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डिफाइन नेम्स। तो यहाँ पे सबसे पहला एक ऑप्शन दिख रहा है डिफाइन नेम्स, इसको हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट कर ले रहे हैं। सेलेक्ट करने के बाद डिफाइन नेम्स में जाएंगे और यहाँ पे देखिए सुमित लिख के आ रहा है ऑटोमेटिक। यहाँ पे जो भी इसका हेडर नेम है वो ले रहा है। आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस होगी। तो यहाँ पे अभी सुमित लिख के आ रहा है, हम सिंपली इसको सुमित ही रहने देते हैं। और यहाँ पे देखिए रेफरेंस टू, तो यहाँ पे क्या है, इस जितना भी सेल हमने सेलेक्ट किया है उन सभी का एड्रेस यहाँ पे आ गया है। आप चाहें तो कोई दूसरी सेल अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं, कोई दूसरी रेंज सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप उसको जैसे ही सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक उसका रेफरेंस चेंज हो जाएगा। तो मैं एक बार आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे सिंपली क्लिक करते हैं, इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं। अभी डिलीट करने के बाद हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक इसका रेंज चेंज हो गया है। ओके, अभी हमें क्या चाहिए, सुमित का चाहिए, तो हम सिंपली सुमित का ही रेंज सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे इस रेंज को हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे देखिए सुमित का जो भी रेंज है वो आ चुका है। इसको एक बार हम फिर से कर दे रहे हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो। इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और ये रेंज यहाँ पे आ चुका है। ओके, यहाँ पे चाहे तो आप कोई भी कमेंट दे सकते हैं, ताकि अगर आप इस नेम ब्लॉक को कोई डिफाइन करना चाहते हैं इसमें कमेंट देंगे तो आपको इजिली, अगर कई सारे ब्लॉक्स होंगे तो उसमें से आइडेंटिफाई करना इजी रहेगा किस ब्लॉक को हमने क्या नाम दिया था, इसका क्या पर्पज है, क्या यूज था या किस काम के लिए हमने इसको डिफाइन किया है। प्लस यहाँ पे स्कोप एक ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रहता है वर्कबुक। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे सीट 1, सीट 2, सीट 3। अभी हमारे पास सीट 3 है, अगर यहाँ पे कुछ और सीट होंगी तो यहाँ पे उनकी लिस्ट ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे इस ब्लॉक का अगर हम वर्कबुक रखते हैं तो क्या होगा कि इस वर्कबुक में किसी भी सीट में इस ब्लॉक का नेम दे के आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम सीट 1 करते हैं तो क्या होगा, इस नेम ब्लॉक का स्कोप सिर्फ इसी सीट में रहेगा, सीट 1 में। अगर आप कहीं दूसरी सीट पे इस ब्लॉक को यूज करना चाहेंगे तो ये यूज नहीं होगा। तो इसी वजह से यहाँ पे स्कोप में आप जैसे आपकी रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अभी हम वर्कबुक करते हैं ताकि इसको किसी भी सीट पे इस नेम ब्लॉक को हम यूज कर पाए। ओके, यहाँ पे करते हैं ओके। अब इस ब्लॉक का एक नाम सेट हो चुका है, जब भी हम कैलकुलेशन अप्लाई करेंगे हमें रेंज देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस ब्लॉक का जो नेम हमने रखा है वो नेम हम यहाँ पे दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे हमें सम करना है, इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे हमने नेम, इस ब्लॉक का नेम दिया है सुमित, तो यहाँ पे टाइप करेंगे सुमित। सुमित टाइप करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे, देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेशन हो चुका है, मींस टोटल आ चुका है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल आपको दिखाते हैं। इसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं और इसका नेम डिफाइन करते हैं, डिफाइन नेम्स पे जाएंगे। यहाँ पे अंकित लिखा हुआ रहा है, सेम यही नाम रखते हैं, ओके करते हैं। ओके करने के बाद अब इसका नाम सेट हो चुका है, मीन्स नेम डिफाइन हो चुका है। यहाँ पे अगर हम सम करते हैं, इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे। एक और तरीका है जहां से आप नाम ले सकते हैं, यहाँ पे आप यूज इन फॉर्मूला एक सेकंड ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी नेम ब्लॉक आप डिफाइन किए होंगे सारे के सारे नाम आ रहे होंगे। तो अभी हमें किसका यूज करना है, अंकित का, तो अंकित पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे अंकित आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे, देखिए सम आ चुका है। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे नेम मैनेजर, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि नेम मैनेजर को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, तो यहाँ पे आप माउस पॉइंटर लेके जाएंगे तो आपको दिखेगा कंट्रोल प्लस F3 की इसकी शॉर्टकट की होती है। ये पिछले महीने एग्जाम में पूछा गया था, आप चाहे तो कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं। नेम मैनेजर को ओपन करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस F3। अब ये नेम मैनेजर से होता क्या है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो अभी तक जितने भी नेम हमने डिफाइन किए हैं ब्लॉक्स के उन सबके डिटेल यहाँ पे आ रही है, जैसे कि
वैल्यू क्या है, इन ब्लॉक्स में क्या क्या वैल्यूज है वो दिख जाएगी। जैसे अगर हम यहाँ पे सुमित की बात करें तो 70, 40, 76, 61, 37, तो यहाँ पे अगर आप माउस पॉइंटर लेके जाएंगे तो यहाँ पे सारी वैल्यूज आपको दिखेंगी। ये देखिए दिख रहा है, प्लस रेफरेंस टू, यहाँ पे आपको वो एड्रेस दिख जाएगा, मीन्स क्या सेलेक्ट किया था, क्या इसकी रेंज थी, वो रेंज यहाँ पे आपको दिख जाएगी, मीन्स एड्रेसेस दिख जाएंगे। प्लस इसका स्कोप क्या है, तो हमने दोनों के लिए स्कोप सेट किया था वर्कबुक, तो यहाँ पे स्कोप दिखेगा। प्लस हमने अगर कोई कमेंट दिया होता तो यहाँ पे कमेंट दिखता। अब यहाँ पे मान लीजिए इसको हमें मॉडिफाई करना है, इसकी रेंज हमें चेंज करनी है, जो भी रेंज हमने सेलेक्ट की थी उससे कुछ मॉडिफाई करना है, कम करना है या ज्यादा करना है, कुछ भी करना है, तो सिंपली आपको एडिट पे क्लिक करना है। ये यहाँ पे आ गया, आप चाहें तो इसकी आप रेंज बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, या कोई नई रेंज आप सेलेक्ट कर सकते हैं इस नेम ब्लॉक की। ओके करेंगे तो ऑटोमेटिक ये अपडेट हो जाएगा। दूसरा एक और ऑप्शन होता है, अगर इस नेम ब्लॉक की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है तो हम यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, या फिर आप कोई नया नेम ब्लॉक बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप न्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे हमें कोई नया नेम ब्लॉक बनाना है तो हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। अब मान लीजिए हमें निखिल इस ब्लॉक को एक नया नेम ब्लॉक बनाना है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम कोई नाम दे देते हैं, तो यहाँ पे मैं निखिल ही नाम दे दे रहा हूँ, निखिल। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, एक नया रेफरेंस चाहिए, मीन्स एड्रेस चाहिए, तो हम यहाँ पे निखिल का जो भी रेंज है वो सेलेक्ट कर ले रहे हैं। ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए एड्रेस आ चुका है। ओके करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे एक निखिल नाम का नेम ब्लॉक ऐड हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे नेम मैनेजर से हम नेम ब्लॉक को मॉडिफाई कर सकते हैं या उनके डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा नेम मैनेजर। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम सेक्शन। अब ये कैसे होता है इसको देख लीजिए, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो देखिए कई सारे ऑप्शंस आते हैं, टॉप रो, लेफ्ट कॉलम, बॉटम रो, राइट कॉलम। अब इसका यूज क्या है, देखिए यहाँ पे अलग अलग हम अभी नेम ब्लॉक बना रहे थे, अगर हमें एक साथ कई सारे नेम ब्लॉक बनाने हैं तो हमें बार बार सेलेक्ट करना होगा, तो अगर हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए क्रिएट फ्रॉम सेक्शन ये ऑप्शन हम यूज करेंगे। तो कैसे, जैसे मान लीजिए हमें इन तीनों के लिए या इन सब्जेक्ट्स के लिए हमें नेम ब्लॉक डिफाइन करना है, तो हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, इनकी हेडिंग्स को सेलेक्ट करेंगे और इसकी पूरी रेंज सेलेक्ट करेंगे, फिर क्रिएट फ्रॉम। अब यहाँ पे देखिए टॉप, क्योंकि यहाँ पे हेडिंग्स नेम ऊपर दिया हुआ है तो हम यहाँ पे टॉप ले लेते हैं। अगर यहाँ पे साइड में होता, लेफ्ट या राइट या बॉटम में कहीं भी हेडिंग होती तो हम उसके हिसाब से यहाँ से सिलेक्शन करते। तो अभी हमारी सारी हेडिंग्स हैं टॉप पे, हम ये चाहते हैं कि जो हमारा नेम ब्लॉक बने वो इन हेडिंग्स के नेम से बन जाए नेम ब्लॉक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे टॉप रो यूज करेंगे। ओके करेंगे, आप देखेंगे आप अगर यहाँ पे नेम मैनेजर में जाते हैं तो यहाँ पे आपको कई सारे ब्लॉक्स दिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे एक हिंदी आ रहा है, मैथ आ रहा है, साइंस आ रहा है, सोशल साइंस आ रहा है, इंग्लिश आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, जितना भी हमने रेंज सेलेक्ट किया था 1, 2, 3, 4, 5 सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया था, तो इनके नाम से नेम ब्लॉक बन चुके हैं। अगर मान लीजिए हमें यहाँ पे इसको हम क्लोज करते हैं, यहाँ पे अगर हमें मैथ का टोटल चाहिए, मैथ के जितने भी मार्क्स हैं इन सबका टोटल चाहिए, तो सिंपली हम यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल सम और यहाँ पे मैथ्स टाइप कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक सम आ चुका है। इसी तरीके से अगर इंग्लिश के टोटल मार्क्स का हमें सम चाहिए तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे इंग्लिश, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आ चुका है सम, तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं क्रिएट फ्रॉम सेलेक्शन। ओके, तो ये हमारा नेम डिफाइन ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बॉक्स है हमारा, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फॉर्मेटिंग फॉर्मूला ऑडिटिंग, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं, एक एक ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला है ट्रेस प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये जिन जिन वैल्यू से मिलके बना है, तो यहाँ पे कुछ और कैलकुलेशन हम कर लेते हैं ताकि इजिली सारी चीजें आपको समझ में आए। मान लीजिए इसको हमें यहाँ पे हम कहीं सम करते हैं इस जगह पे साइंस के मार्क्स का, तो यहाँ पे इक्वल करते हैं सम, ब्रैकेट ओपन कर लिया। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर समझ में आए, तो यहाँ पे मैंने अलग सेपरेट कर दिया है, सम साइंस हमने टाइप किया, ब्रैकेट क्लोज किया। अब देखिए साइंस ये हमारा कॉलम है और इसका सम हमने यहाँ पे ले लिया है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, देखिए सबसे पहले जाएंगे ट्रेस प्रेसिडेंट पे, तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि इस ब्लॉक का जो भी टोटल जितनी भी रेंज है उनमें से यहाँ पे ये वैल्यूज इस पर डिपेंडेंट है, मीन्स ये जो सम आ रहा है वो इस ब्लॉक से आ रहा है।
यहाँ पे एक ऑटोमेटिक एरो आ चुका है। इसको अगर दूसरी तरीके से समझना है तो कुछ और तरीका हम एक यूज करते हैं ताकि इजीली समझ में आ जाए। यहाँ पे देखिए रिमूव एरो दिया हुआ है, इसको हम यूज कर सकते हैं इसको हटाने के लिए। तो यहाँ पे एक बार हम इसको हटा देते हैं। दूसरा एक तरीका है, जैसे मैं रैंडम यहाँ से कोई भी नंबर ले लेता हूँ और यहाँ पे उसका सम करता हूँ। यहाँ पे देखिए इस जगह पे हम सम करेंगे, इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे और यहाँ पे देखिए हम कई अलग अलग कॉलम्स को यूज करेंगे, कॉमा, कॉमा प्रेस करेंगे, फिर अगला यहाँ पे ये नंबर कॉमा, फिर अगला यहाँ पे इस नंबर को हम, और ब्रैकेट क्लोज करते हैं। इन तीन वैल्यूज का हमें सम इस जगह पे चाहिए, इक्वल इंटर करेंगे, ये देखिए यहाँ पे सम आ चुका है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे, ये वैल्यूज किन किन वैल्यूज से मिलकर बनी है, मीन्स किन किन नंबर्स को एड करके ये टोटल आया है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे प्रेसिडेंस, ट्रेस प्रेसिडेंस चेक करने के लिए। तो यहाँ पे सिंपली पहले इसको सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जिन जिन वैल्यूज को मिला के ये सम बना है, वहां से आपको एक एरो मिलेगा, मींस आप इससे इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज को यूज करके यहाँ पे इस टोटल को निकाला गया है। ये होता है हमारा ट्रेस प्रेसिडेंट। अगला ऑप्शन है यहाँ पे ट्रेस डिपेंडेंट, तो ये जस्ट इसका अपोजिट होता है। ओके, तो इसको हम थोड़ा सा और कुछ यहाँ पे ऑप्शन अप्लाई कर लेते हैं ताकि इजिली आपको समझ में आए। तो यहाँ पे मैं निकाल ले रहा हूं मैक्स या मिन। मैक्स निकालते हैं सबसे पहले, इक्वल मैक्स, ब्रैकेट ओपन कर दें और यहाँ पे हमें इनमें से मैक्स निकालना है। तो इसको हम पहले एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं, मैक्स निकालते हैं, ब्रैकेट क्लोज किया और इसको हम नीचे कॉपी कर देते हैं ताकि बाकी सबका भी मैक्स आ जाए। ओके, यहाँ पे मैक्स आ चुका है। इसी तरीके से हम यहाँ पे मिन निकालते हैं, इक्वल मिन, ब्रैकेट ओपन करते हैं और यहाँ पे एक रेंज सेलेक्ट करते हैं क्योंकि इन मार्क्स में से हमें इनमें से मिनिमम निकालना है। एंटर किया और इसको भी नीचे हम ड्रैग कर देते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम ट्रेस डिपेंडेंस यूज करेंगे इस ऑप्शन को, क्या है तो मान लीजिए इस वैल्यू पे कौन कौन सी वैल्यू डिपेंडेंट हैं वो यहाँ पे इससे चेक कर सकते हैं। तो इस पर हम क्लिक करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे ट्रेस डिपेंडेंस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस पे कौन कौन सी वैल्यू डिपेंडेंट है, वहां पे एरो आ जाएगा, मींस इस पे अगर हम कुछ भी चेंज करते हैं तो यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा, प्लस यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा, प्लस यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हम किसी दूसरी वैल्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए अगर हम इस पे जाते हैं ट्रेस डिपेंडेंस पे, तो इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए कहाँ कहाँ पे इस वैल्यू को चेंज करने से इफेक्ट पड़ने वाला है, वहां वहां पे आपको एरोज दिखेंगे, मींस अगर हम यहाँ पे कुछ भी चेंज करते हैं तो इस जगह पे वैल्यू चेंज होगी, यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा, प्लस यहाँ पे पड़ेगा। तो ये होता है हमारा ट्रेस डिपेंडेंस। तो आई होप ये दोनों ऑप्शंस आपको समझ में आ गए होंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन अगर आप इसको एक बार, अगर कंफ्यूजन होता है तो आप दोबारा से इस वीडियो को देख लीजिएगा तो इजिली समझ में आ जाएगा। नीचे है एक रिमूव एरोज, तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे जहां भी एरो लगा होगा ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। फिर अगला एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है शो फॉर्मूला, तो इसके लिए एक शॉर्टकट की भी होती है, कंट्रोल प्लस साइन हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारी सीट पे जहां जहां पे जो भी फॉर्मूला अप्लाई होगा वो ऑटोमेटिक सारे फॉर्मूले दिखेंगे। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, अब देखिए यहाँ पे जहां जहां पे भी जो भी फॉर्मूला अप्लाई किया गया वो सारे फॉर्मूले दिख रहे हैं। तो अगर आप इस तरीके से ये चेक करना चाहते हैं कि हमारी सीट में कहाँ कहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई है, तो आप इसके लिए शो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे एरर चेकिंग, तो ये कैसे चेक करते हैं, इसको कैसे करते हैं वो भी हम देख लेते हैं ब्रेथ प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे एक बार हम फिर से क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला जो भी शो हो रहा था वो हाइड हो जाएगा ऑटोमेटिक। एरर चेकिंग में क्या होता है, जब आप कोई फॉर्मूला टाइप करते हैं और कहीं पे कोई एरर कर देते हैं तो उस केस में क्या होता है कि आपको एक एरर मैसेज आता है। तो हम ये पता करना चाहते हैं कि ये एरर मैसेज कहाँ पे आ रहा है या किस वैल्यू की वजह से आ रहा है, तो ऑटोमेटिक आपको दिखेगा। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और इसकी जगह पे मैं यहाँ पे देखिए लास्ट में F4 लिखा हुआ है प्लस, और मैं यहाँ पे कोई नंबर की जगह पे अल्फाबेट दे देता हूँ प्लस A, तो आप देखिए यहाँ पे एक एरर आ जाएगा। इसको हम चेक करना चाहते हैं कि क्या एरर है यहाँ पे, तो एरर चेकिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, इसमें से आपको क्या करना है, शो कैलकुलेशन स्टेप पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे एक अलग से विंडो ओपन होके आएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इवेलुएट पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको एक अंडरलाइन दिखेगा, तो यहाँ पे एक अंडरलाइन आ रहा है, मीन्स इससे पहले जो भी वैल्यूज हैं वो सारी करेक्ट हैं। और यहाँ पे आपको
59 के जस्ट बाद में इस जगह पे जो भी वैल्यू दी है वो वहां पे कोई ना कोई एरर है। तो यहाँ पे एक बार फिर से क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे एक एक करके सारी वैल्यूज दिखती जाएंगी। रीस्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक सारी चीजें दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएंगी। तो इससे आप चेक कर सकते हैं किस स्टेप में कहाँ पे कौन से एरर है, वो आप इससे इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एरर चेकिंग। ओके, आप इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे, सारी चीजें इजिली समझ में आएंगी। तो इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूं। अभी क्लोज करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इवैल्यूएट फॉर्मूला। तो अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि फॉर्मूला किस तरीके से काम करता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं इवैल्यूएट फॉर्मूला। तो हम इसको हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, इस पर पहले क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है, जैसे कि सम के लिए अप्लाई किया है, ये फॉर्मूला किस तरीके से काम कर रहा है उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे एक बार मैं इसको फिर से दोबारा से करेक्ट कर दे रहा हूँ, इसी पे हम अप्लाई करके देखने वाले हैं। एंटर किया, ये वैल्यू हमारी आ चुकी है। आप देखिए यहाँ पे चाहे तो इस पे अप्लाई करें या किसी दूसरे नया फॉर्मूला बना लेते हैं, उस पे अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे एक हम अलग से फॉर्मूला बनाते हैं, इक्वल 4 × 3 + 7 − 2 और यहाँ पे × 3, ये हम ले रहे हैं और एंटर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेट हो गया, 13 आ रहा है। अब ये 13 या फॉर्मूला किस तरीके से काम कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, इवेल्युएट फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक अंडरलाइन दिख रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों के बीच में कैलकुलेशन अप्लाई होगा। तो यहाँ पे जहां जहां पे अंडरलाइन आएगा, शायद आपको स्क्रीन पे क्लियर ना दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी अंडरलाइन दिख रही है। तो जैसे जैसे हम इवेल्युएट पे क्लिक करेंगे, ये स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करता जाएगा, वो स्टेप हमें यहाँ पे दिखते रहेंगे। तो यहाँ पे इवेल्युएट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 3 × 4 था, 12 हो गया, प्लस यहाँ पे 7 आ रहा था। पहले ये दोनों कैलकुलेट होंगे, तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया, आ गया 19। अब यहाँ पे देखिए बीच में माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पे बॉडमॉस का रूल अप्लाई होता है। तो यहाँ पे 2 × 3 है, तो सबसे पहले ये मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद 19 माइनस जो भी रिजल्ट होगा उसके साथ में ये सब्ट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे इवेल्युएट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए 3 × 2 = 6 हो गया, 19 − 6 यहाँ पे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे 13 यहाँ पे रिजल्ट आ गया। तो इससे आप ये देख सकते हैं कि हमारा फॉर्मूला स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से वैल्यूज को कैलकुलेट कर रहा है। ये काफी यूजफुल फंक्शन होता है या फीचर है, जिसको हम कई अलग अलग तरीके के फॉर्मूला पे देखने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कई ऐसे इस तरीके से फॉर्मूलेज होते हैं जिनको हम कई जगह पे एरर आते हैं या एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आता है जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं किस स्टेप में क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम यहाँ पे वॉच विंडो पे आते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फीचर होता है। अब मान लीजिए हमारे पास एक ऐसी सीट है जिसमें बहुत सारा डेटा है, और अगर हम यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा कॉपी कर दे रहा हूँ नीचे तक, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ Ctrl+C, और इसको हम थोड़ा सा नीचे कॉपी कर रहे हैं, यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं, इसको हमने कॉपी कर दिया। इसके बाद हम इसका यहाँ पे सम निकाल लेते हैं। सम निकालने के लिए हम इसको पहले सेलेक्ट करेंगे पूरा, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम लास्ट में एक एक्स्ट्रा सेल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऑटो सम पे जाएंगे। ऑटो सम पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए सम आ चुका है, तो इसका एक नाम दे देते हैं टोटल। ओके, यहाँ पे टोटल है। अब अगर हम इस जगह पे कुछ भी चेंजेस करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मैंने 100 दे दिया, तो ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे 1815 दिया हुआ है, ये 1915 या समथिंग जो भी कुछ होगा, ये देखिए यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो गए। तो अगर मान लीजिए काफी लंबी सी सीट है और यहाँ पे आप कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं, तो बार बार आपको स्क्रोल डाउन करके उस पार्टिकुलर लोकेशन पे जाना पड़ेगा। प्लस मान लीजिए ये रिजल्ट हम यहाँ पे ना कैलकुलेट करके हम कहीं दूसरी जगह पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो यहाँ पे मान लीजिए इस सीट में जो भी डेटा है उसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं किसी दूसरी सीट पे, तो वहां पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसको अगर हमें देखना है, तो उसके लिए ये वॉच विंडो काफी यूजफुल होता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे इसका हमें वॉच विंडो देखना है, तो इसको हम पहले कोई नाम दे देते हैं, इसका हम एक कोई नाम डिफाइन कर देते हैं, डिफाइन नेम, और यहाँ पे टोटल इसका नाम दे दिया। ओके, अब यहाँ पे वॉच विंडो पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए वॉच विंडो ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ पे एड वॉच विंडो पे क्लिक करते हैं और इसको हम यहाँ पे सेट कर देते हैं, यहाँ बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक यहाँ पे पहले से कर्सर हमारा था, मीन्स ये सेल हमारी सेलेक्टेड थी, तो इसका एड्रेस ऑटोमेटिक आ चुका है वॉच विंडो पे, यहाँ पे आपको दिखेगा। इसको हम थोड़ा सा और
इसका साइज बढ़ा देते हैं ताकि इजिली आपको सारी चीजें दिखें। इसको हमने ऐड कर दिया। एक मिनट, दोबारा से मैं इसको ओपन कर रहा हूं। इसको बाहर ले लेते हैं सीट पे। अब देखिए वॉच विंडो हमारी यहीं पे है। यहाँ पे जो भी टोटल हमने किया था उसकी वैल्यू क्या थी, यहाँ पे आप देखें तो दिखेगा 1848 जो कि यहाँ पे वैल्यू दिख रही है। सेल कौन सी है जिस सेल में ये वैल्यू आ रही है, G32 है। और इसका सेल का नाम क्या है, वह है टोटल। तो यहाँ पे कई सारी चीजें दिख रही है। इस पर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई है वो फॉर्मूला भी दिखेगा। अगर हम यहाँ पे कोई भी चेंजेस करते हैं, जैसे यहाँ पे 57 लिखा हुआ है, यहाँ पे 257 अगर हम करते हैं तो वैल्यूज में जो भी चेंजेस होंगे वो आपको यहाँ पे इजिली वॉच विंडो पे दिखेंगे। तो यहाँ पे मैं जैसे इंटर करता हूँ वॉच विंडो में, आपको यहाँ पे उसका जो भी चेंज है ऑटोमेटिक दिखता है। तो ये वॉच विंडो काफी यूजफुल होती है अगर हमारे पास काफी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है और वो कई अलग अलग सीट पे पड़ा हुआ है, उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, जब हम किसी पार्टिकुलर वैल्यू को चेंज करते हैं तो कहाँ कहाँ पे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, वो आप इससे वॉच विंडो की हेल्प से इजिली आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे एक मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया कि अगर ये काफी लंबा सा डेटा है और यहाँ पे अगर हम कुछ भी चेंजेस करते हैं तो बार बार स्क्रॉल करके हमें यहाँ पे आना पड़ रहा है। अगर हमने इसको वॉच विंडो पे ऐड कर दिया तो यहाँ पे अगर हम कुछ भी चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक हमें नीचे जाने की जरूरत नहीं है, आपको वॉच विंडो में उसमें क्या चेंज हो रहा है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, आप देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा वॉच विंडो। यहाँ पे कैलकुलेशन ऑप्शन एक नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे इसको कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शंस दिख रहे हैं, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक एक्सेप्ट द डेटा टेबल और यहाँ पे मैनुअल। तो ये क्या है इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं मैनुअल, मैनुअल पे हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आप इसी पे हम अप्लाई करके देखेंगे इसको। यहाँ पे देखिए 2048 दिया हुआ है और यहाँ पे अगर हम 77 की जगह पे 177 करते हैं तो आप देखिए ऑटोमेटिक कैलकुलेशन यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। जैसे हम इंटर करते हैं तो यहाँ पे देखिए वैल्यू चेंज हो चुकी है इस जगह पे, लेकिन यहाँ पे जो टोटल था या नीचे अगर हम जाएं यहाँ पे तो इस टोटल में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं क्योंकि कैलकुलेशन हमने ऑटोमेटिक की जगह पे मैनुअल कर दिया है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कैलकुलेट नाउ, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब जाके यहाँ पे देखिए वैल्यू चेंज होती है। तो ये ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि कई अलग अलग जगह पे चेंजेस करते हैं और चेंजेस करने के जस्ट बाद ऑटोमेटिक वो कैलकुलेशन अप्लाई ना हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे कैलकुलेशन ऑप्शन में जाके उसको मैनुअल कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा कैलकुलेट सीट। तो इसका क्या यूज होता है, जब हम ये चाहते हैं कि कई अलग अलग जगह पे हमने अगर कैलकुलेशन अप्लाई किए हैं तो यहाँ पे कैलकुलेट नाउ पे अगर क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि लास्ट जो भी आपने अपडेट किया होगा उसको ये कैलकुलेट करेगा। और हम अगर ये चाहते हैं कि जहां जहां पे हमने चेंजेस किए हैं वो साथ एक साथ सारे कैलकुलेशन अप्लाई हो जाए तो उसके लिए हम यूज करते हैं कैलकुलेट सीट। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आपने जहां जहां पे चेंजेस जो भी चेंजेस किए हैं वो ऑटोमेटिक वहां पे सारे चेंजेस एक साथ रिफ्लेक्ट होंगे। जैसे कि मैं इसको अभी मैनुअल कर रहा हूँ, मैनुअल ऑलरेडी सेलेक्टेड है। अगर हम यहाँ पे कुछ नंबर चेंज करते हैं तो यहाँ पे मिन मैक्स में भी चेंज होना चाहिए। अगर हम इसको 100 कर दे रहे हैं तो यहाँ पे देखिए जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अभी मैक्सिमम क्या है, इस रो में अगर बात करें तो मैक्सिमम है 100 जबकि यहाँ पे क्या दिखा रहा है 92। ओके, यहाँ पे कुछ और चेंजेस कर ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैं 200 कर दे रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम में क्या दिखा रहा है 91। अगर हम यहाँ पे 200 टाइप कर रहे हैं तब भी मैक्सिमम 91 दिखा रहा है। अब अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट सीट पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक सारी जगह पे आपको चेंजेस दिखेंगे। जैसे मैं इसका कलर चेंज कर दे रहा हूँ, होम पे जाके इस ब्लॉक का कलर हम कर दे रहे हैं येलो ताकि आपको ये समझ में आए। और इस जगह पे हमने चेंज किया है एक जगह पे और यहाँ पे, इसको भी हम येलो कलर में कर रहे हैं ताकि आपको ये चेंजेस दिखे। अब यहाँ पे देखिए जैसे हम क्लिक करते हैं फॉर्मूला टैब पे जाएंगे कैलकुलेट सीट, तो आप देखिए ऑटोमेटिक सारे जगह पे जहां जहां पे चेंजेस हुए थे वो पूरे चेंजेस एक साथ अप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इंटायर सीट में एक साथ ऑटोमेटिक कैलकुलेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज करेंगे कैलकुलेट सीट। और अगर आप किसी एक पार्टिकुलर सेल पे जिसमें आप अभी लेटेस्टली आपने कुछ भी चेंज किया है अगर उस पर आप कैलकुलेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप मैनुअल करने के बाद ही इन ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। ऑटोमेटिक करेंगे तो यहाँ पे इन ऑप्शंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे हम चेंजेस करेंगे वो ऑटोमेटिक वो सारे चेंजेस होंगे। अगर हम यहाँ पे दोबारा से मैंने इसको ऑटोमेटिक कर दिया है, ऑटोमेटिक किया है
ऑटोमेटिक करने के बाद अगर हम यहाँ पे कुछ भी चेंज करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मैंने 100 कर दिया, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो भी कुछ मैक्सिमम होगा, इसमें तो ऑलरेडी मैक्सिमम है 257, तो यहाँ पे मैं इस जगह पे कर दे रहा हूँ, इस जगह पे मैंने किया 100, अब देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे 100 हो गया। तो आई होप ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टैब हम स्टार्ट करेंगे डेटा टैब, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, काफी यूजफुल है और काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला टैब है। इससे काफी सारे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे डेटा टैब। तो उम्मीद करते हैं इससे काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में हमारे वीडियोज को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते रहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।